चुप करो। आज से हम ये घोषणा करते हैं कि कोई भी पुलिस की गाड़ी बिजोली गांव में नहीं आएगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बिज्जू वाली गांव की हैं, जहां पे मैं आपको बता दूं कि इतने सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको तस्वीरें एक बार थोड़ी सी दिखा देना चाहूँगा कि ये सामने आप जहां देख सकते हैं कि ये पुलिस की जो गाड़ी है यहाँ पर लग रही है। और इस सामने कमरे के अंदर एक लड़की और एक महिला और दो जो लड़के हैं वो इस कमरे के अंदर जो पाए गए थे, गांव वालों ने यहां पे रंगे हाथों उनको पकड़ा था। तो यहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। और उनको लेने के लिए पुलिस प्रशासन, तमाम जो डबवाली थाना से जितना पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर आया हुआ है। और गाँव के जो लोग हैं वो मान नहीं रहे, उनको ले करके जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस को। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे यही आ रही है। आप सामने देख सकते हैं लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे समझाया जा रहा है, वो देख सकते हैं बुजुर्ग किस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं लेकर के जाने देंगे इनको। तो यहाँ पे प्रेमी जोड़ा हम कह सकते हैं कि उसको पकड़ा है गांव के लोगों ने। और पुलिस जैसे ही उनको हिरासत में लेने के लिए गाँव के लोगों से बातचीत कर रही है, मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आगे चला गया पास। इतला आई थी कि बिजली बोर्ड के दफ्तर में दो आदमी और एक लेडीज है, जिसने गांव में इतला दी थी। पुलिस आ गई थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया था। तो पहले ने गांव वालों ने विरोध किया निकालने का, अब उनको सुरक्षित निकाल के जो देश की कानूनी कार्रवाई है वो हम करने लग रहे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन लोगों ने गलत किया। वो तो सोशल डिस्टेंसिंग तो इनके भलाई के लिए था, लेकिन उन्होंने खुद ही वो किया है। गाँव का मामला था, और जब समाज जो होता है वो कानून से बड़ा होता है। गांव के इस संबंध में हम राय लेंगे, जो भी बनता हो करेंगे। सर, कौन-कौन लोग थे, पहचान लोग भाई या कौन थे, कहां नहीं थे? अभी नहीं, अभी नहीं हो पाया, अभी जांच जारी है। अच्छा, मकसद क्या था सर इनका एक ही कमरे में इकट्ठा होने का? नहीं, अभी मकसद पूछताछ करें, क्योंकि गांव में भीड़ ज्यादा थी इसलिए पूछताछ नहीं हो पाई। जैसा भी देश का कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था। भाई साहब ये बताइए क्या मामला था? मामला ये था, बिज्जू वाली के जो बिजली बोर्ड का दफ्तर बनाया हुआ है जहां बिल भरा जाता है, वहां पर गलत काम किया गया। एक लड़की को लाकर और तीन उसके अंदर लड़के थे, और सारा गांव एक साइड हो गया, लेकिन पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, उल्टा गाँव के लड़कों पर लाठियाँ बरसाई है। आज आज से हम आज आज
एक मिनट चुप करो। आज से हम ये घोषणा करते हैं कि कोई भी पुलिस की गाड़ी बिजुवाली गांव में नहीं आएगी। हमारा जब कोई सहयोग ही नहीं करता और सारी कल से सारी दुकानें खुली रहेगी। अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। हम ये डिस्टेंस बना के रखेंगे, लेकिन क्यों ये मतलब थोड़ी है, है? पुलिस ये यहाँ पे देखा किसने था कि एक रूम के अंदर तीन लोग एक लेडी पूछ। हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे दो लड़के एक लड़की उस दफ्तर के अंदर थे, ठीक है, और वहाँ पे हमने जाके ताला तोड़ लिया। उसके बाद में हमने पुलिस चौकी में फोन कर दिया, पुलिस वाले आगे दो घंटे बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं की। उधर से उसका लड़के का बाप आ गया, पता नहीं पैसों की डिस्टेंस हो रही है, कुछ भी हो रही है, ठीक है, दो घंटे तक कोई नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद में सारा गांव आ गया है, ठीक है, अब पुलिस प्रशासन आके फुल टीम लेके आया। उसके बाद में एक पुलिस वाला सिविल वर्दी में आके लाठी चार्ज करे, क्या क्या बात, अब रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमारी नहीं सुन रहे, वो डाल के लेके उनको बस। उसके बाद हम क्या करें, हमारे गांव में कोई लॉकडाउन नहीं चलेगा, अगर पुलिस प्रशासन आया तो उस ना हमारे गांव की पंचायत है सबसे हमें बोला है भाई आपको पूरा सहयोग मिलेगा पुलिस का और पंचायत का। सुनिए, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते थे, क्या पुलिस के हवाले नहीं करना था उन लोगों? पुलिस के हवाले करने के लिए तो बुलाया था पुलिस को, उसके बावजूद उन्होंने डंडा बरसा दिया आगे, ठीक है, उसके बावजूद उनके पता नहीं क्या डिस्कस हो रही है, दो घंटे तक अंदर बैठे रहे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गांव के लोगों का आरोप है सीधा सीधा कि पुलिस ने उन पे कार्रवाई करने की बजाय गांव के लोगों पे, गांव के युवकों पे जो पहरा दे रहे थे उन पे लाठियां बरसाई है, ऐसा इनका कहना है। और आगे से पुलिस की गाड़ी गांव में ना एंट्री ना करने देने की बात भी यहाँ के लोगों ने कही है, और पुलिस के उन तमाम युवकों के साथ सांठगांठ होने का बात भी इन्होंने कही है कि उनके साथ तमाम सांठगांठ करने के बाद ही उन लोगों को जो है कमरे से बाहर निकाला गया है। इससे पहले की बात करूं तो पुलिस का डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि तीन लोगों को यहां से हिरासत में लिया है, जांच के बाद पूछताछ के बाद किस तरह की कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। कुल मिलाकर के कहूं तो बिजुवाली गांव में एक बेहद शर्मनाक घटना, जहां एक और पूरा देश अपने अपने घरों में लॉकडाउन होकर के बैठा है, तो वहीं इस तरह के बिजली कर्मचारी जो हैं वो अपनी रासलीलाएं अपने सर्विस स्टेशन के अंदर इस तरह से करते हुए दिखाई देते हैं, तो बेहद शर्मनाक घटना इसको हम कह सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।